जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा बेटे को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाने का सोच घर से निकल ही रही थी कि फिर पिताजी की आवाज आ गई, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दो। और बहू जल्लाते हुए कपड़ा ला चश्मा साफ करने लगी। इसी चक्कर में बेटा स्कूल में और खुद आज फिर ऑफिस देर से पहुंचा। गाहे बगाहे पिताजी की यूं घर से निकलते हुए पीछे से आवाज देने की आदत बहू को अच्छी नहीं लगती थी, पर जानती थी कि पलंग से न उठ पाने के बावजूद पिताजी पूरे दिन में उसे यही एक दो काम ही तो कहते थे। काम छोटा सा था पर ऑफिस जाने की भी तो जल्दी होती थी सुबह सुबह। एक दिन पति से चर्चा की, पति की सलाह पर अब वो सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके रख देती, लेकिन फिर भी घर से निकलते समय पिताजी का बहू को बुलाना बंद नहीं हुआ। दिन बीते, एक समय वो आया कि समय से खींचातानी के चलते अब बहू ने पिताजी की पुकार को अनसुना करना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी तो बहू ने सोचा क्यों ना घर की साफ सफाई कर लूं। अचानक पलंग से नीचे गिरी पिताजी की डायरी हाथ लग गई। उसे पलंग पर उठाकर रखते हुए उत्सुकता हुई कि देखूं तो सही पिताजी सारा दिन क्या लिखते रहते हैं। यही सोचकर यूं ही खोल दिया एक पन्ना। उस पन्ने पर लिखा था, मेरी प्यारी बहू, आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती हो तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। आंखें नम हो गई। बस अगले दिन से ही बहू ससुर का रिश्ता मानो पिता पुत्री में बदल गया। अब 5 मिनट पहले तैयार होकर बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पिताजी की आवाज से पहले ही बहू चश्मे को साफ कर देती, पीने के पानी का जग उनके पलंग के सिरहाने रखती, जाते समय लाड़ प्यार से 2-4 वाक्यों में सारे दिन की हिदायतें देती, कभी उनके फल या दवाई न खाने का उलाहना, और अंत में, अच्छा बाबूजी ऑफिस को देरी हो रही है, चलो बेटा बाबूजी को बाय बोलो, कहकर घर से निकलती। बूढ़ी हड्डियों में न जाने कैसे ताकत से आने लगी। दवाई वही थी पर सेहत में सुधार 10 गुना होने लगा। पिताजी स्वस्थ होने लगे थे परंतु अचानक एक दिन हृदय गति रुक जाने से स्वर्ग सिधार गए। उनके अंत समय में उनके मृत देह के चेहरे पर संतुष्टि के भाव की भी पूरे परिवार में खूब चर्चा हुई थी। आज पिताजी को गुजरे ठीक 2 साल बीत चुके हैं। आज भी बहू रोज घर से बाहर निकलते समय पिताजी का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है। उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में आज भी सुबह घर से निकलते हुए न जाने क्यों ऐसा लगता है कि अभी आवाज आएगी, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दे। माता पिता का अदृश्य आशीष ही ईश्वर की कृपा दृष्टि है। जीवित माता पिता की सेवा मरणोपरांत किए गए पितृ कर्म से कहीं अधिक उत्तम है। जीवन में हम बहुत कुछ महसूस नहीं कर पाते और जब तक महसूस करते हैं तब तक वे हमसे बहुत दूर जा चुका होता है। आइए इन बूढ़े वृक्षों को जल रूपी स्नेह तथा सेवा रूपी खाद से संजोकर फिर से युवा स्वस्थ तथा हरा भरा करने का प्रयास करें। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।